1973 में मेरा सर्विस मिजोराम इलाके में था। मिजोराम की राजधानी आइजल है। वो जंगल इतना बेबान जंगल है कि उसके अंदर एक फौजी आदमी को कई प्रकार की कठिनाई थी। एक तो पानी में डीजल मिला रहता था, तो उस पानी को लेना, गर्म करना, घड़े में डालना, छानना, उसके बाद पीना। इससे पहले कोई पीना चलना नहीं होता था। और एक इतना रोग था जोक, जिसको जोक कहते हैं, वो मनमावे झाई फौजी आदमी की शौक्स में बढ़ जाना, काट लेना, मनमाए झाई काट लेना, वो पूरा खून पी जाती थी। इसका इलाज था जोक को छुटाने का, हर फौजी के जेब में नमक होना चाहिए, कहीं भी लग गई नमक लगा दो, जोक दूर हट जाएगी। बरसात वहाँ हमेशा होते रहना। तीसरा बीमारी हॉस्टल पार्टियों की, जो वहाँ नागे लोग रहते थे वो यहाँ बसावट नहीं करना देना चाहते थे, उस इलाके को चमन करने के लिए आर्मी को भेजे थे वहाँ से, उनका छोटे छोटे गांव बनाना, उनको कल्याण देना, बसाना, ये आर्मी काम था। तो वो मिजोराम स्टेट तैयार किया आर्मी ने और हॉस्टलों को ख़त्म किया। तो वो भी आर्मी के साथ अचानक तीर कमानों से लड़ाई करते थे, उनको भी देखना। बाकी जंगल बेबान इतना जोर का था जिसमें हाथी नज़र नहीं आते, ना उनमें पड़े रहते थे। जब रात्रि का समय हो जाता, जब हाथियों का झुंड होकर के चलता, जो आर्मी का कैंप होता वही तो हुआ करते थे उधर, तो उधर चल जाता, तो हाथी कभी नहीं हटता, चाहे कुछ भी कर ले। हाथी की एक ही दवाई है, वो सेंट्री रहा करते थे, देख ले भाई हाथी का ग्रुप आ रहा है, तो ग्रुप में हाथी 10 से कम तो वाई नहीं करते थे, 10 से ज़्यादा चाहे 50 तक हो जाए वो, लेकिन जिधर को चल दिया वो इधर उधर नहीं होते, सीधे चलते थे। कुछ भी आगे आ गया, चाहे पेड़ आ गया तो गिरा देना, मकान आ गया तो लुटा देना, सब सूंड से कार्रवाई करते चलते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी दवाई थी, फौज में हमेशा संतरी सतर्क रहते हैं, हाथियों का देखता तो वो संतरी एक दो को और जगाता, फिर उधर आग जला देना। जैसे इधर पूर्व साइड से पश्चिम साइड को जा रहे हैं और बीच हमारा कैंप आ गया, तो पूर्व साइड में आग जला देना। आग जलाने के लिए क्या, लकड़ी घेरना डालना, उसमें मिट्टी तेल डालना, उसको सेक लगा देना, तो आग ओपन हो जाना। अब चौथा रीछ जिसको कहते हैं भालू, वो बहुत ही थे उस जंगल में, उनका कलर, वो जंगल का कलर, घास का कलर एक जैसा ही हुआ करते थे। तो हमारे फौज में जलाने की या केरोसिन नहीं पहुंचना, तो जंगल में लकड़ी वगैरह बेलने के लिए भी टुकड़ी बन के जाती। एक भ्रम गए तो हमने सोचा ये कोई लकड़ी का बोटा पड़ा है, और वो पड़ा था रीच, तो चलो इसको उठा लेते तो काफ़ी हो जाएगा। जब नज़दीक गया तो वो रीच जब खड़खड़ाया उठा तो रीच मारे बिगड़ छोड़ता नहीं, तो उस जवान ने क्या किया, भग करके पेड़ में चढ़ गया। वो रीछ भी पैर नीचे, सिर नीचे को और पैर ऊपर को, वो भी चढ़ रहा है, वो भी पेड़ में चढ़ रहा है उसको मारने के लिए। दूसरे जो साथ में गए थे, हथियार होता था, तब उसको गोली लगाया रीछ के सर में, तब वो रीछ गिर गया। तो उस इलाके में इतना खतरनाक इलाका है वो कि पूछो, और वहाँ के लोग भी कट्टर हैं, वो जो करते हैं वो करते हैं, लेकिन
उनको बसाने के लिए, उनको आज़ाद करने के लिए आर्मी ने बढ़िया किया। 1973 की बात है, उस समय तो बिल्कुल ही पागल लोग थे। वहाँ ये मकान नहीं थे हमारे पास, ना बांस के मकान बनाते थे, बांस के बम्बू को चीरना, बम्बू गाड़ना, उस बम्बू की दीवार बनाना और बम्बू की ही ऊपर करना, फिर सरकंडा पूला जैसा घास है उसकी छान बांधना, उसमें फौज वहाँ रहती है मिजोराम इलाके में। जैसे कि आजकल यहाँ देखो तो बाहर से आते हैं, ये मेव है, मोमडन है, एक गाड़ी के वगैरह लेते हैं तब ये मकान बनाते हैं, तो वो सारा पूड़े का ही बनाते हैं। ये ऐसे ही मिजोराम के इलाके में आर्मी अपना समय निकालती थी।